मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, जो मेरे हाथ का मैगी होगा। मैं मैगी बहुत टेस्टी बनाती हूँ, एक बार आप अपने घर पे ट्राई करके देख। कटी हुई टमाटर और यहाँ पे दो नींबू, एक नींबू लिया है मैंने जिसे मैंने कट कर लिया है। इसके बाद दो हरी मिर्च है और यहाँ पे बारीक कटी हुई दो प्याज है। और इसके बाद ये पेस्ट जो है ना, वो मैंने दो प्याज, दो हरी मिर्च, अदरक थोड़ी सी और थोड़ी सी लहसुन, तीन चार कलियाँ लहसुन की मैं ले लूँगी। इसके बाद हम बनाएंगे, इसके बाद इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी मैं। इसको पीस लूँगी अच्छे से, तब इसको रख लिया मैंने। सबसे पहले अब हम इसमें सरसों तेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, करीब दो चम्मच। अब इसको, हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है। इसके बाद हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, करीब दो चुटकी यहाँ पे जीरा डालेंगे हम। जीरा हमारा चटकने लगा है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, या प्याज को हम 2 मिनट या 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब इसी में हम जो दो हरी मिर्च अपना काट के रखे थे, वो हरी मिर्च को भी हम डाल देंगे इसमें प्याज के साथ। हमारा जो प्याज है वो अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था, जो ये पेस्ट है, उसको मैं इसमें डालूंगी। टमाटर भी डाल दूंगी। अब मैं नमक डालूंगी कि हमारा
मसाला अच्छी तरह से पक गया। ये देखिए हमारा मसाला धीरे धीरे पक रहा है, इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। अगर आपको लहसुन पसंद हो तो आप मैगी में लहसुन डालें, वरना रहने दें। इसको अभी हमने 2 मिनट तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे जले ना। ये देखिए हमारा मसाला अब अच्छे से पक चुका है। अब हम गैस को धीमा रखेंगे थोड़ी देर। अच्छी तरह से मिला लेंगे। फिर अब जो हमारा मैगी है उसको मैं इसमें डालूंगी। इसी में हम पानी डालेंगे करीब 2 गिलास। जो हमारा फ्लेम है वो अब हाई रहेगा। इसमें हम अब मैगी मसाला डालेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ये देखिए हमारा मैगी बनने वाला है। अभी 2 मिनट और पकाएंगे क्योंकि हमें सूपी मैगी उतना पसंद नहीं है। अगर आपको मन करे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, वरना इसे थोड़ा सुखा लें। हमारा मैगी लगभग बन चुका है। अब इसी में हम नींबू डालेंगे। जो हमने नींबू काट के रखा था उस नींबू को हम इसमें डालेंगे।
एकदम बन के तैयार है। लाजवाब, देखिए देखने में कितना अच्छा सा लग रहा है। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा आप सभी को मेरा मैगी का रेसिपी? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये देखिए हमारा मैगी बनके एकदम तैयार हो चुका है, मुझे तो खाने का मन कर दिया। आपको कैसा लगा ये बताइए। मेरा भाई भूखर की तरह बेचैन हो चुका है खाने को। ओहो क्या लाजवाब मैगी। ओह या ठीक है ना, अच्छा।